आज का जो टॉपिक है दादा लक्ष्मी भगवान जी का गृहस्थ के जीवन का अनुभव। 1942 की बात है, 1942 की बात है। उनके माता जी को खुश करने के लिए, माता जी को वो भाभी बोलते थे, भाभी तो सबको समझ नहीं आएगा, जो बेचारे कोई नए भी होंगे भाभी को फिर वो भाई भाभी वाला समझेंगे ना, इसलिए मेरे को माता जी बोलना पड़ेगा। उनके माता जी को खुश करने के लिए एक दिन भगवान जी मम्मी के साथ उनके सत्संग में गए। जहाँ उनके मम्मी जाते थे वहाँ सत्संग में गए, भगवान जी के अलौकिक व्यक्तित्व में अद्वितीय आकर्षण था। उनका पहनावा सादगी वाला था, शुरू से ही भगवान जी को सफेद रंग विशेष प्रिय था। भगवान ने बाहर के आर्टिफिशियल साधनों का अपने ऊपर कभी प्रयोग ही नहीं किया। भगवान कहते, जो आभूषण तुम पहनते हो वो तुम्हारे आभूषण झूठे हैं। असली आभूषण, कितना प्यारा नाम है, नम्रता। असली आभूषण हमारा क्या होना चाहिए, नम्रता का। जो तुम सदा पहने रहो वो है नम्रता का गहना। कितना, और अभी के समय में प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। अभी के समय में आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ये कब बता रहे हैं, 1942 में। भगवान जी बोलते, तुम्हारे अंदर का प्रेम ही तुम्हारे चेहरे की असली सुंदरता है। निर इच्छा होने से भगवान के चेहरे पर दिव्य ओज था। जितनी हमारी कमजोरियां होंगी हमारे पे ओज आभा नहीं बनेगा। भगवान जी की आंखों में आत्मिक नूर था कि जिनसे उनके अंदर की पवित्रता प्रकट हो रही थी। ऐसा दिव्य स्वरूप किसी ने पहले कहीं भी नहीं देखा था। ऐसा स्वरूप है कहाँ जो कोई देखता। भगवान की उपमा भगवान जी स्वयं आप ही है। भगवान का आत्मबल उनके हाव भाव से प्रकट हो रहा था। मौन, गंभीरता और स्थिरता, इन्हें कृष्ण ने गीता में देवी संपदा के गुण कहे हैं। शुरू से ही भगवान अपने में राजा बनकर रहे हैं। उनकी चाल में भी वही फलक रहती थी, प्रकृति की ओर से जो बात बननी होती उसको बनाने में प्रकृति खुद मदद करती है और बात के बनने का एक बहाना बन जाता है। वहाँ एक जनी ने भगवान को देखा, उसने तुरंत भगवान जी का रिश्ता मांग लिया। वास्तव में होने वाली बात होकर रहती है, पैगंबर जब तक अपने को प्रकट नहीं करता तब तक वह साधारण मनुष्य की तरह साधारण जीवन ही चलता है। जैसे महाभारत में हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, दुर्योधन वगैरह, इवन अर्जुन जब तक विराट रूप नहीं दिखाया कहाँ मानता था, सखा बनाया था उसको ऐसे माधव। भगवान राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध, कबीर सभी ने शादी की, संतानें की, पर गृहस्थ में वे जल में कमल के समान होकर रहे। माया में रहते हुए भी माया संतों को छू नहीं सकती। शादी हो गई, भगवान जी गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए। निराकार ने भगवान जी के लिए इस खेल से हटकर ही दूसरा खेल बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि निराकार को भगवान से बहुत बड़ी सेवा जो लेनी थी। जीवन का उद्देश्य क्या होता है, पैगंबर का धरती पर एक मिशन होता है, उसके लिए वो आता है। प्रकृति की ओर से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां पैगंबर का मिशन पूरा करने में सहायक बनती है। ये सही ये गलत है, वास्तव में कुछ सही गलत होता ही नहीं है। भगवान का भी वैवाहिक जीवन केवल 2 ही साल रहा था। रात से दिन, दिन से रात हो गई थी। निराकार ने इतने थोड़े समय में भगवान जी को खोल खोल कर माया की सारी लीला दिखा दी थी, जैसे कि शंकराचार्य ने गृहस्थ का अनुभव करके
निमित्त ही राजा के शरीर में प्रवेश किया था। भगवान जी ने मोह, माया, भोग, रोग, संतान, गरीबी, मौत, इतनी छोटी उम्र में एक एक बात का अनुभव कर लिया था। भगवान जी की सौतेली सास थी। सुन रहे हो सारे, पैगंबर कैसे बनता है, मास्टर, ग्रेट मास्टर कैसे बनता है, वह कैसे भी व्यवहार करती, भगवान जी चुपचाप सहन कर लेते और अपने में शांत रहते। जैसे तैसे भगवान जी ने वहाँ 2 साल गुजारे। जब मम्मी जी उनको मालूम पड़ा, भाभी जो जिनको बोलती थी उनकी माता जी, कि उनकी बेटी कैसे माहौल में दिन काट रही है, तो उन्होंने जाकर भगवान को अपने साथ वापस ले आई। जहाँ आकर भगवान ने कोख से एक बच्ची को जन्म दिया। अब भगवान अपने में गुम होकर, वो चंद्रा थी ना उनकी बेटी जो है, अब भगवान अपने में गुम होकर बिल्कुल मौन में आ गए। बाहर से कुछ भी इजहार नहीं करते थे। इस घर में वे अपने को एक मेहमान मानकर एक अजनबी जैसा रहते थे। ये देखकर उनके मम्मी जो थे, माता जी, दुखी होती थी। वे बार बार समझाने की कोशिश करती और कहती कि ये तेरा ही घर है, जहाँ तू पूरे हक से रहे, जहाँ तेरा दिल करे तुम बाहर आया जाया करो, तुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। भगवान पर इन बातों का कुछ असर नहीं होता था। भगवान को पूरा पूरा वैराग्य था। बाहर का जगत उनके लिए जैसे था ही नहीं। भगवान के एक शब्द के लिए घर वाले तरसते थे। और हम क्या करेंगे, इतने शब्द, इतनी बातें कर देंगे, वो बोलेंगे ओहो गलती हो गई, इनसे बात पूछ के हमारे आचरण में कितना फर्क होता है। भगवान ने अपने को अपनी मर्जी से घर की जेल में कैद करके रखा हुआ था और वे चाहते थे कि उनकी रहनी कोई हस्तक्षेप ना करे, कि उनके अंदर कोई भी, ये बिगनिंग थी ना उनकी, उन्होंने इतने बड़े मास्टर बनना था, तो उनकी रहनी कैसी थी देखा। भगवान को कोई भी शिकायत नहीं थी, ना घर वालों से, ना जगत वालों से, ना शरीर की प्रारब्ध से, और ना ही निराकार से ही उन्हें कोई शिकायत थी। यही ज्ञान तभी तो उन्होंने निकाला जब अपना इतना ऐसे थे, तो हमें देते हैं ना वचन, कब तक गुजर जाएगा, मरने से पहले मर जाओ, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, तेरा की, ये सब क्या था सारे वचन। भगवान जी कहते मशीन चलाओ तो उसे तेल तो देना पड़ता है ना, इस शरीर की मशीन को चलाने के लिए भी समय समय पर इसे भोजन डालना पड़ता है, बाकी हम नहीं जानते। जुबान का स्वाद क्या होता है वो हम नहीं जानते। वो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर इतना कंट्रोल रखते कि उनके मामी जी अचंभा होते। माता जी, तो अपने पर इतनी पाबंदियां लगाती है, अपने को गुचन में रखती है, तो औरों की तरह क्यों नहीं है? ये तो साधारण वेश में असाधारण हस्ती थे, जो बाद में उनके माताजी ने खुद पहचान लिया था कि ये औरों से बिल्कुल अलग है। वो ऑब्जर्व करती थी उनकी माताजी, घर पर योगी आते हैं तो उनसे मीठी बातें करती है, बाकी घर वालों के लिए उनके शब्द नपे तुले टेलीग्राम की तरह रहते हैं। एक दिन भाभी माता जी ने कहा, बाकी सबसे तेरा प्यार है, मेरे साथ तेरा प्यार नहीं है। भगवान जी ने कहा, मेरा एक सवाल है, सोचकर जवाब देना, तेरे साथ प्यार नहीं है तो द्वेष है? जा तो तेरे लिए मैंने कभी कोई शिकायत की है? उनके माता जी ने कहा, दोनों नहीं है। भगवान ने कहा, तो बाकी प्यार ही तो हुआ है। लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ करी थी, वो भगवान के घर से करके आए हैं प्यारे। बाद में जब भगवान जी ने स्वयं को प्रकट किया, तो उन्होंने चिट्ठी में लिखकर भेजा, माफ करना अपनी मम्मी जी को, हमने अनजाने में बहुत बेइंसाफियां की हैं, हमने आपको पहचाना नहीं था कि आप भगवान हैं। उनकी माता जी ने लिखा था कि हमें पता नहीं है कि आप भगवान हैं। सर्व कला संपूर्ण थे भगवान जी। गीता में कृष्ण कहते हैं, तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त नहीं कर सकूं।
मैंने जो देखा है रतन में, उनको ये तो मैं कुछ भी बात हम बोलते जो हमारे साथ घटना घटती तो वो अपने दादा भगवान की तरफ उनको थैंक करते थे, ये भी मैंने देखा था। अपने पे नहीं लेते थे, अपने गुरु को थैंक्स करते थे। अगर हम भगवान जी की तारीफ कर रहे हैं तो वो अपने गुरु को थैंक्स करते थे। वे रसोई में कुछ भी बनाते, सब्जी होती थी या मिठाई होती थी, इतनी स्वादिष्ट बनाते थे कि चीज़ कितनी भी मिकदाद में बनती, खाने वाले को और अधिक खाने की लालसा बनी रहती थी। इतनी एकाग्रता होगी ना, भगवान जी की इतनी विलक्षण बुद्धि रही है, जो सारे शास्त्रों का ज्ञान उनकी बुद्धि के कंप्यूटर में रजिस्टर हो गया हुआ है, जो समय समय पर भगवान जी की वाणियों में प्रकट होता है। हर कला में निपुण, देवी संपदा के सर्वगुण संपन्न, निष्कामी ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव को दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे गट गट वासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।